Hello, students. Good morning. Standard 3rd subject EVS. Student, today we will fill in our EVS workbook. Chapter number 20 Tell How Many. Question number 1 Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the provided against each question. Number 1.

नेक्स्ट नंबर टू वॉट आर द नेम्स ऑफ चिल्ड्रन्स ऑफ देवेंद्र एंड मंजूला देवेंद्र एंड मंजूला के बच्चों का नाम क्या है लाडो एंड यारा कृष्णा एंड कावेरी दिव्या एंड मानव विनी एंड कीरी सो आंसर इज सी दिव्या एंड मानव सो वी हैव टू राइट हियर सी नेक्स्ट नंबर थ्री वॉट डू चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम फैमिलीज चिल्ड्रन फैमिली से क्या सीखते हैं जो बच्चे होते हैं वो फैमिली से क्या सीखते हैं फीयरलेसनेस कम्युनिटी लाइफ फाइटिंग एटीट्यूड और लोनलीनेस सो so, बच्चे अपनी फैमिली से कम्युनिटी लाइफ सीखते हैं सो आंसर इज बी कम्युनिटी लाइफ नंबर फोर टू वूज हाउस डू नेबर्स चिल्ड्रन गो ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड हैव अ लॉट ऑफ फन किसके घर जाके टू वोज हाउस डू नेबर्स चिल्ड्रन किसके घर नेबर्स के बच्चे आकर हॉलीडेज़ के टाइम पर हॉलीडेज के दरमियान मजा करते हैं तो किसके घर जाते हैं सीतास हाउस केतंस हाउस रेहाना एंड हबीब्स हाउस कृष्णा एंड कावेरीज हाउस सो आंसर इज सी रेहाना एंड हबीब हाउस सो वी हैव टू राइट हियर सी नंबर फाइव वो मिसेस हिज मदर एंड राइट्स अ लेटर टू हर अपनी मम्मा को कौन मिस करता है और फिर उन्हें लेटर लिखता है सो आंसर इज कृष्णा तारा समर और केतन सो आंसर इज डी केतन सो वी हैव टू राइट हियर डी नेक्स्ट नंबर सिक्स वो वर्क्स एज टीचर इन स्कूल एज अ टीचर स्कूल में कौन काम करता है मीनाक्षी रिहाना Kaveri or sita. So answer is B. Rehana. So we have to write here B. Next question number two. Fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. The students were playing the game dash with music. Students konse game khel rahe the music. Answer is tell how mending. T E L L Tell H O W how M A N Y. मैनी नेक्स्ट नंबर टू मानव एंड दिव्या आर डैश मानव और दिव्या कौन है तो दोनों सिस्टर एंड ब्रदर है मतलब भाई बहन है एस आई एस टी ई आर सिस्टर ए एंडी एंड बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर नेक्स्ट नंबर थ्री सीता संगर सिस्टर्स नेम इज डैश सीता की छोटी बहन का नाम क्या है तो गीता है जी आई टी ए गीता नंबर फोर

स्टडी के लिए आए थे कौन तो केतन और उसका भाई के ई टी ए एन केतन नेक्स्ट नंबर सिक्स कावेरी प्लेज डैश विथ हर ब्रदर कावेरी अपने भाई के साथ क्या खेलती है आंसर इज कैरम सी ए डबल आर ओ एम कैरम अवर डैश इज़ अवर फर्स्ट स्कूल हमारी सबसे पहली जो स्कूल होती है जहाँ से हम लर्निंग मतलब कि कुछ सीखते हैं तो वो क्या है सो इट इज अवर होम सो वी हैव टू राइट हीयर एच ओ एम ई होम नेक्स्ट नंबर एट केतन फादर्स एंड डैश रेग्युलरली टू हीज ग्रैंड फादर्स इन द विलेज केतन के जो फादर है वो रेग्युलरली गाँव में अपने जो ग्रैंड फादर है केतन के उसके लिए क्या भेजते हैं मनी भेजते हैं एम ओ एन ई वाई मनी नंबर नाइन तारा लिव्स इन डैश विथ हर मदर तो तारा अपनी मम्मा के साथ कहाँ पर रहती है सो आंसर इज चेन्नई सी एच ई डबल एन ए आई चेन्नई तारा इज मीनाक्षी डैश तारा है वो मीनाक्षी की क्या है तो वो एडप्टेड डॉटर है सो वी हैव टू राइट है डॉटर ए डी ओ पी टी ई डी एडप्टेड डी एच टी आर डॉटर एडप्टेड डॉटर मतलब गोदली हुई बेटी है मीनाक्षी की तारा कौन है गोद ली हुई बेटी एडोप्टेड डॉटर क्वेश्चन नंबर थ्री राइट और रॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली शुड स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर क्या जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग रहते हैं स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर दूर दूर रहते हैं सो रॉन्ग चिल्ड्रन गेट अ प्रॉपर अपब्रिंगिंग इन जॉइंट फैमिलीज मतलब कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी जो परवरिश होती है वो ज्वाइंट फैमिली में प्रॉपर होती है तो यस होती है कृष्णा एंड कावेरी हैव देयर मील्स टुगेदर कृष्णा और कावेरी साथ में बैठकर खाना खाते हैं यस केतन राइट्स अ लेटर टू हीज मदर केतन अपनी मम्मा को लेटर लिखता है यस लिखता है नंबर फाइव तारास फादर टेक्स केयर ऑफ़ हर तारा के जो फादर है वो उसकी देखभाल करते हैं नहीं क्योंकि तारा के फादर नहीं थे क्योंकि तारा एडेप्टेड डॉटर थी मीनाक्षी की दैट्स वाई ताराज मदर टेक्स केयर ऑफ़ हर ना कि उसके फादर उसकी देखभाल करते थे सीता लिव्स इन ए ज्वाइंट फैमिली यस देवेंद्रज फैमिली गोज टू वॉच प्लेस एंड मूवीज देवेंद्र की फैमिली क्या है खेलने जाती है और मूवी देखने जाती है वॉच प्लेज एंड मूवीज प्लेज देखने जाती है और मूवीज देखने जाती है नहीं गलत क्रॉस आएगा मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली कावेरी सो व्हाट इज द आंसर फॉर कावेरी प्लेस कैरम विथ हर एल्डर ब्रदर वो अपने भाई के साथ बड़े भाई के साथ कैरम खेलती है सो वी हैव टू राइट हियर डी राइट स्टूडेंट्स नंबर टू गीता तो गीता में क्या आंसर आएगा व्हाट इज द आंसर फॉर गीता गीता इज सीता सिस्टर सो वी हैव टू राइट हियर ए बिकॉज गीता का ऑप्शन क्या है राइट right आंसर का इज सीता सिस्टर नंबर थ्री तारा तारा का आंसर क्या है वॉट इज द आंसर फॉर तारा तारा इज मीनाक्षी इज एडप्टेड डॉटर सो वी हैव टू राइट हियर ई नंबर फोर केतन सो वट इज द आंसर फॉर केतन हैज कम टू अहमदाबाद फॉर स्टडीज वो अहमदाबाद स्टडी करने के लिए आया था सो वी हैव टू राइट हियर बी पुट अ राइट ऑन दोस सेंटेंस विच टेल द वेरियस थिंग्स दैट है इन योर फैमिली जो फैमिली में अलग अलग चीजें होती है उसके बारे में यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं तो हमें अगर सेंटेंस हमें राइट लगता है तो हमें वहाँ पर क्या करना है टिक मार्क करना है ऑल द मेम्बर्स ऑफ फैमिलीज आर वर्किंग घर के जितने भी मेम्बर्स होते हैं वो काम करते हैं तो ये सभी अपने अपने हिसाब से काम करते हैं जैसे कि छोटे हैं तो वो क्या करते हैं स्टडी करते हैं या फिर जो घर में पेरेंट्स होते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की मदद करते हैं तो लाइक दैट सभी लोग अपना अपना काम करते हैं नंबर टू द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की एक दूसरे को लव करते हैं तो यस करते हैं एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली जो बड़े होते हैं घर के वो फैमिली के लिए पैसे कमाते हैं तो यह कमाते हैं यस राइट तो हमें यहाँ पर टिक करना है नंबर फोर फैमिली मेंबर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस क्या जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक ही घर में सेम हाउस में रहते हैं येस yes. तो राइट ऑल फैमिली मेंबर्स आर ऑफ़न विजिट ईच अदर क्या फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की विज़िट करते हैं तो हाँ राइट right. अगर अगर हम दूर रहते हैं एक दूसरे से तो हम एक दूसरे की विज़िट एक दूसरे की मुलाकात लेते हैं लेते हैं नस yes. फैमिली members स्टे together इवन इफ़ there इज़ अ फाइट amongst themselves. अगर फैमिली members के बीच में थोड़ी थोड़ी सी फाइट्स है तो भी वो अपने वो सब एक साथ ही एक ही घर में रहते हैं तो yes, राइट जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर तो उनके बीच में मीठा झगड़ा होता है ना लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं एक ही घर में रहते हैं है ना? दे स्टे टुगेदर सो यस फाइट होने की वजह से भी हम एक साथ ही रहते हैं इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ जो बच्चे होते हैं और जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी देखभाल की जाती है तो यस की जाती है तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सो वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट आप लोगों को ई की वर्कबुक में अच्छी राइटिंग से ई की वर्कबुक कंप्लीट करनी है बाय बाय स्टूडेंट्स थैंक यू